जीवन में भय किसने नहीं देखा? मृत्यु का भय, अपनों के चले जाने का भय, असफलता का भय, हिंसा का भय। हम जानते हैं कि इस भय या डर के कारण हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि चकरा जाती है, हम उचित निर्णय नहीं कर पाते और अंत में जिस बात का डर होता है हम स्वयं उसे सच कर देते हैं। हम जीवन भर भय या डर से लड़ते रहते हैं किंतु भय से छूटने का कोई उपाय नहीं मिलता। किंतु क्या हमने डर के विषय में विचार किया है? डर वास्तव में क्या है? जिस बात का हमें डर होता है क्या वास्तव में वही डर का कारण होता है, या डर हमारे मन का भाव मात्र है जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं? डर सदा ही भविष्य से लगता है, भविष्य में कुछ अनुचित या अघटित ना हो जाए, जीवन का स्वरूप कहीं बिगड़ ना जाए, यही होता है ना डर। और भविष्य तो सदा ही अनजान रहता है, इसलिए हम कभी वास्तव में डर से छूट ही नहीं पाते, कभी निर्भय हो ही नहीं पाते। भय हमारे अज्ञान का परिणाम है, क्या ये सच नहीं? गहराई से विचार करने पर हम तुरंत ही जान पाएंगे कि हम जिस अघटित या अनुचित की चिंता में रहते हैं वैसा हमेशा तो होता ही नहीं। भविष्य का क्रम तो हमारे डर से अनजान अपने मार्ग पर चलता रहता है। भय के कारण भविष्य नहीं बदलता, केवल हमारा मन रोग से भर जाता है। किंतु हमारा मन यदि स्वस्थ रहे, हृदय यदि स्थिर रह पाए, तो हम संकट को पराजित कर सकते हैं और जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भयभीत मन सुख मिलने पर भी भोग नहीं सकता। जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है कि भविष्य पर हमारा अंकुश नहीं किंतु अपने मन पर अवश्य अंकुश है, उसी क्षण हम भय को पराजित करके निर्भय बन सकते हैं। केवल इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि भय किसी परिस्थिति का नाम नहीं, हमारी मनस्थिति का नाम है। मन की दृष्टि में परिवर्तन करने से हम निर्भय हो जाते हैं।